प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद प्रथम नगर आगमन पर रामू टेकाम का भैंसदेही में कांग्रेसियों ने किया भव्य स्वागत। मध्य प्रदेश आदिवासी कांग्रेस विभाग के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष रामू टेकाम भोपाल प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पदभार ग्रहण करने के बाद भैंसदेही नगर में प्रथम आगमन पर कांग्रेसियों ने शीतला माता चौक पर उनका गाजे बाजे के साथ जोरदार स्वागत किया एवं रैली के साथ बस स्टैंड तक पहुँचे, जहाँ पर युवाओं ने आतिशबाजी कर फूल माला पहनाकर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया और मिठाइयाँ भी बांटी। मीडिया से चर्चा के दौरान श्री टेकाम ने कहा कि आज मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा अत्याचार आदिवासियों पर हो रहे हैं। नेमावार, महू, खरगोन, शाहगंज की घटनाओं में हमारे आदिवासी भाइयों को न्याय नहीं मिला। जब आदिवासी न्याय मांगने जाते हैं तो उन पर पुलिस द्वारा गोलियां बरसाई जाती हैं। आज आदिवासी और आम जनता ये समझ चुकी है कि भाजपा केवल सत्ता में आना चाहती है, इनका जनता के विकास से कोई लेना देना नहीं है। आदिवासी समाज कांग्रेस के साथ रहा है और आगे भी रहेगा। भाजपा आदिवासी समाज के जल, जंगल, जमीन, आरक्षण और संस्कृति के साथ संविधान में दिए गए अधिकारों को षड्यंत्र पूर्वक खत्म करना चाहती है। मैं आदिवासियों के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ते हुए उनके सम्मान की सुरक्षा करूंगा। स्वागत करते समय बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद थे। हमारे राष्ट्रीय नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सोनिया जी, राहुल जी और हमारे मध्य प्रदेश के नेता आदरणीय कमलनाथ जी ने जो जिम्मेदारी मुझे दी है, उस जिम्मेदारी का मैं बड़ी निष्ठा से पालन करते हुए और जो हमारे आदिवासी भाइयों के जल, जंगल, जमीन और हमारी संस्कृति और आरक्षण, ऐसे जो हमारे जो संविधान ने दिए जो अधिकार हैं, उन अधिकारों को जो आज भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र के पूर्वक षड्यंत्र करके जो ख़त्म करना चाहती है, मैं उनको उनके खिलाफ लड़ाई लड़के हम हमारे आदिवासी भाइयों की आवाज़ को बुलंद भी करना चाहता हूँ और उनके मान और स्वाभिमान की रक्षा भी करना चाहता हूँ। 45 से ज़्यादा आदिवासी बहुल सीटें हैं, जी जी इस बार कांग्रेस के समर्थन में ज़्यादा सीटें आई हैं, जी इस जी बार क्या करेंगे कि सबसे ज़्यादा सीटें फिर से एक बार कांग्रेस की ओर आए? आपको याद होगा कि जैसे लोकतंत्र की हत्या करके शिवराज सिंह चौहान जी ने कमलनाथ जी की सरकार को गिराई, विधायकों के खरीद फरोख करके, ये जनता जान गई। और मध्य प्रदेश में जो सबसे ज़्यादा अत्याचार आदिवासियों पे हो रहे हैं, चाहे हम नेमावर की बात कर ले, चाहे हम खरगोन की बात कर ले, चाहे महू की बात कर ले, चाहे शाहगंज की बात कर ले, आज तक हमारे आदिवासी भाइयों को न्याय नहीं मिल रहा और अत्याचार पे अत्याचार मिल रहा है। जब न्याय मांगने जाते हैं तो शिवराज सिंह की पुलिस गोली मार के उनकी हत्या करती है। तो आज पूरा आदिवासी भी समझ चुका है और आम जनता भी समझ चुकी है कि ये केवल और केवल सिर्फ सत्ता में आना चाहते हैं, इनका जनता के विकास से कोई लेना देना नहीं है। हम बुनियादी मुद्दों के साथ में, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो और हमारे जनता का आर्थिक विकास कैसे बढ़े, हम उसके लिए काम करेंगे और माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में 2023 में सरकार बनाएंगे। आदिवासी समाज को जोड़ेंगे कांग्रेस के लिए? बिल्कुल जोड़ेंगे, और शुरू से आदिवासी समाज तो कांग्रेस के साथ रहा है और आज भी और आगे भी रहेगा।